सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। बच्चियां नाल जबर जनाह करने वाले हुण हरियाणा च भी मिलेगी फांसी की सजा। विधानसभा च सर्वसम्मति नाल दंडावल सोध बिल 2018 होया पास। विधानसभा के आखिरी दिन कानून नूं कीता गया पास। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से साधिया निशाना। महागठजोड़ नीतीश कुमार की बिल्कुल जरूरत नहीं, कहा राहुल गांधी ने। काले धन चिट्टा करन दा मामला। ईडी ने सुरेन दी दिल्ली स्थित रिहायश तो 36 लाख रुपए की नकदी ते कीती कार जब्त। सुरेन पुजे रांची, पूछ पड़ताल लई रांची पुजेगी ईडी। अते हुण खबरां विस्थार दे नाल। हरियाणा दी विधानसभा च सर्वसम्मति नाल दंडावल सोध बिल 2018 पास हो गया। मध्य प्रदेश राजस्थान तो बाद हरियाणा भारत दा तीजा अजिहा सूबा बन गया जिथे बच्चियां नाल जबर जनाह ते फांसी दे दोषियां नूं 14 साल दी कैद या फांसी होवेगी। हरियाणा विधानसभा दे आखिरी दिन इस कानून नूं पास कीता गया। हरियाणा सरकार ने 12 साल जो उस तो घट उम्र दी लड़कियां दे जबर जनाह दे दोषियां नूं मौत दी सजा देने की व्यवस्था नाल संबंधित कानून लियाउण दे प्रस्ताव नूं मंजूरी दे दित्ती है जो कि सर्वसम्मति दे नाल पास होया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में हुई सूबाई मंत्रिमंडल की मीटिंग में यौन अपराधों से जुड़े मौजूदा अपराधिक कानूनों को होर सख्त करने का फैसला किया गया। हुण सूबे में 12 साल तक की बच्ची के बलात्कारी को घट्टो घट 14 साल की सख्त सजा या फांसी की सजा होगी। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने भाजपा नाल हाथ मिलाउण लई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ते तिखा हमला करदिआं कहा कि बिहार च विरोधी पार्टियां दा महागठजोड़ जनता दल दे प्रधान तों बिना सूबे च समाज दे आर्थिक अते समाजिक तौर ते कमजोर वर्गां लई समाजिक न्याय लई लड़ेगा। उन्हें कहा कि सानू नीतीश जी की लोड़ नहीं है, सानू उन्हां दी बिल्कुल लोड़ नहीं है। राहुल गांधी ने गल पूर्णिया के रंग भूमि मैदान च इक रैली नूं संबोधन करदिआं कही है। उन्हें कहा कि असीं किसानां दे हितां लई लड़दे रहांगे। बिहार के किसान आर्थिक बेइंसाफी के शिकार ने। उन्हें कहा कि देश नूं ओबीसी दलितां आदिवासी आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गां आदि की आबादी की सही गिनती का पता लगाउण लई एक्सरे की जरूरत है। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो कथित जमीन घपले नाल जुड़े काले धन नूं चिट्टा करन दे मामले च रांची च पुछ पड़ताल करेगा। ईडी ने दिल्ली च सोरेन दे घर दी तलाशी लैण तो बाद 36 लाख रुपए की एक BMW SUV अते कुछ इतराजयोग दस्तावेज जब्त किए ने। इस दे नाल ही 24 घंटिआं तो वध समय तो चल रहे भंबल भूसे दा अंत हो गया। सूबे च विरोधी भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ईडी की कार्रवाई के डरों फरार है। सूत्रों ने दसिया कि ईडी ने राज के अधिकारियों ते केंद्रीय सुरक्षा बलों नूं अपनी टीम बारे सूचित किया है जो रांची के एयरपोर्ट रोड से अपने खेतरी दफ्तर तो 31 जनवरी दोपहर 1 बजे तो पहला सुरेन के कैंप दफ्तर जाएगी। सूत्र यह भी दस रहे हैं कि पुछ पड़ताल 20 जनवरी खत्म हुई थां तो शुरू होगी। सुरेन तो लगभग 16-17 सवाल पूछे गए सन। मनी लांडरिंग रोकू कानून तहत उन्हों का बयान लिखती से ऑडियो वीडियो फॉरमेट दर्ज किया गया। अयोध्या विच राम मंदिर के निर्माण तो बाद चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग यानी कि CTU अयोध्या धाम लई भी बस सेवा शुरू करन जा रही है। कदम चुकन का विचार चंडीगढ़ के आसपास के लखां लोगों की धार्मिक भावनावां नूं ध्यान च रखदिआं चुकिया गया। चंडीगढ़ प्रशासन का कहना है कि यह बस सेवा बसंत पंचमी तो पहला शुरू की जाएगी। बस सैक्टर 17 ISBT तो अयोध्या धाम तक चलेगी। बस सैक्टर 17 ISBT तो रोजाना दोपहर 1:30 बजे रवाना होगी तो अगले दिन सवेरे 8:30 बजे अयोध्या धाम पहुंच जाएगी। इस तो बाद बस उतों शाम 4:30 बजे रवाना होगी तो अगले दिन सवेरे 11:05 से चंडीगढ़ पहुंचेगी। बस में यात्री किराया 1706 रुपये होगा। यह सफर लगभग 947 किलोमीटर का है जिस 19 घंटे का समा लगेगा। वर्तमान में CTU पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली राजस्थान उत्तर प्रदेश उत्तराखंड वर्गे गुआढ़ी राज्यों भी अपन सेवावां प्रदान कर रहे हैं।
इस बार सर्दियों में बिजली की रिकॉर्ड मांग होने कारण पावरकॉम बिजली का बैकअप नहीं ले सके। साल 2022-23 पावरकॉम ने 5729 मिलियन यूनिट बिजली की बैंकिंग की थी, 6041 मिलियन यूनिट वापस ले सन। इस बार पिछले 25 दिनों तो धुप ना होने कारण सोलर प्लांट तो भी बिजली पैदा नहीं हो रही है, जिस कारण महंगी बिजली खरीदनी पै रही है। पावरकॉम ने जनवरी 714 करोड़ रुपए खर्च करके 6.95 रुपए की औसत दर 1069 मिलियन यूनिट बिजली खरीदी। इंजीनियर DPS गरेवाल, डायरेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन PSPCL ने दसिया कि इस साल बहुत ज्यादा ठंड से धुंध कारण बिजली की मांग में रिकॉर्ड वाधा दर्ज किया गया। इस अलावा कई दिनों तो सूरज की रोशनी ना मिलने कारण सोलर तो पैदा होने वाली बिजली का उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया। दूजे पासे रणजीत सागर डैम की सफाई होने कारण इतने बिजली उत्पादन भी बंद हो गया। पंजाब ते हरियाणा च दिन की शुरुआत संघनी धुंध नाल हुई। पंजाब विच अमृतसर, गुरदासपुर समेत कई जिले विच रात तो ही मीह पै रहे। इथों के 11 जिले च मीह का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जिस विच मलेरकोटला, पटियाला, संगरूर, लुधियाना, जलंधर, हुशियारपुर, कपूरथला, नवां शहर, हुशियारपुर, अमृतसर, गुरदासपुर ते पठानकोट शामिल ने। तेज हवावां ते गरज नाल मीह पैण की संभावना। उधर हरियाणा के सोनीपत, पानीपत, करनाल समेत होर जिलों में सवेर वेले विजिबिलिटी ना दे बराबर है। अज 6 जिलों में मीह लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया, जिस विच पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल ते करनाल शामिल ने। उधर चंडीगढ़ में सवेरे धुंध छाई हुई, अगले 2 दिनों तक मीह पैण की संभावना ते अज बदल छाए रहेंगे। शीत लहर 40 किलोमीटर की रफ्तार नाल चली। नशा तस्करी के केस विच लोड़ींदे व्यक्ति नूं दूजे सूबे की जेल विचों लिया के कीती गई पुछगिछ तों बाद बठिंडा पुलिस दे हाथ वड्डी कामयाबी लगी है। पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय नशा गिरोह दा जिथे पर्दा फाश किया, उथे हवाला राही विदेश भेजी जा रही ड्रग मनी 1,76,00,000 रुपए बरामद किए ने। जानकारी देंदे हुए SPD अजय गांधी ने दसिया है कि थाना कनाल कलोनी विखे NDPS एक्ट तहत एक मामला दर्ज होया सी, जिसकी तफ्तीश डूंघाई नाल की जा रही थी, जिस विच CIS स्टाफ 1 बठिंडा वालों 4 मुलजमान नूं भारी असले वाहन 18,70,000 रुपए की ड्रग मनी समेत काबू किया गया। आने वाले दिनों में पुलिस वालों इस मामले च वड्डे खुलासे किए जाने आसार ने। पुलिस वालों फड़े गए दोषियों के पाकिस्तान का लिंक खंगाले जा रहे हैं। सीनियर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह व्यक्ति ड्रोन राही पाकिस्तान तो नशा मंगवाते अगे सप्लाई करते सन, ड्रग मनी नूं हवाला राही विदेश भेजते सन। अमृतसर दे विच भी एक उन्होंने खुलासा किया, उहदे विच भी 4 किलो के करीब हैरोइन फड़ी गई है। उहदे विच जिहड़े समगलर हैगे ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਨੀ ਦਿਆਲ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਡਰੱਗ ਹੈਰੋਇਨ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹ USA ਭੇਜਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਪਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ CIA ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇੰਚਾਰਜ CIA 1 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਰ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਹੈ? ਆ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਾਂ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਾਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਰਾਚੰਦ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈ? ਤਾਰਾਚੰਦ ਪਾਰਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਉਰਫ ਸਿਮਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸਨੀ ਦਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪੱਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਹਜੇ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ LOC ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਡਾ ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। मन विच हिम्मत अते लगन होवे तां किसे भी मंजिल नूं सर कर लेना औखा नहीं है। साधना दी कमी उहनां दे रस्ते दा रोड़ा जरूर बणदी है, जिन्हां विच मेहनत करन दे जज्बे दी कमी हुंदी है। साधना दी कमी अपनी मंजिल ते हमेशा नजर रखण वालियां दे रस्ते दी रुकावट कदे नहीं बणदी। इस गल नूं साबित कर दिखाया है पिंड पिंड फेरी लगा के लोकां दी जरूरत दा समान वेचण वाली ते लगभग अनपढ़ महेंद्रपाल दे पुत पवन कुमार।
गुरदासपुर के एक छोटे जे पिंड के रहने वाले बेहद साधारण परिवार का संबंध रखने वाले पवन कुमार के नाल हुण डॉक्टर जुड़ गया। उसने सरकारी स्कूलों में मुढ़ली सिक्ख्या ते सरकारी कॉलेज में बीएससी नॉन मैडिकल करन तो बाद नैनो टैक्नोलॉजी में एमएससी ते पीएचडी भी की है ते वख-वख देशों में रिसर्च करन तो बाद हुण आयरलैंड में यूरोप की एक कंपनी में वख-वख देशों के विज्ञानियों के नाल काम कर रहे हैं। पवन के पिता महेंद्रपाल ने खास करके गरीब परिवारों के लोगों को सलाह दी कि अपने बच्चों को वध तो वध पढ़ाने की कोशिश करन ताजो पवन वांगू अपने परिवार का ना चमका सकन। फेरी का काम करदा रहा, प्लास्टर का समान बेचता रहा और जदों इन्हें एम एस सी की तो मेरे को पैसे नहीं थे क्योंकि इन्हें फीसा एडमिशन फीस 35,000 रुपया ही मेरे को 10,000 होस्टल का और मेरे को पैसे मैं डॉक्टर पन्नू ना मिसेज़ ना गल की डॉक्टर साहब अपना बच्चे पढ़ा मैं 40 बारी खून दान दिता वो करके मेरा डॉक्टर साहब ना मेरा लिंक हैगा ही छोटू प्रधान ही जी उन्होंने मैंने कहा कि करना मैं मैं बच्चे पढ़ा चाहे तो मैं बैंक चो लोन ला दो तो चाहे मैं पैसे दो फिर डॉक्टर साहब ने कहा कोई गल चिंता ना कर पढ़ावे फिर प्रोफेसर खन्ना ने बुलाया मैं तो बेटा मेरा गए प्रोफेसर खन्ना को उन्होंने पूछा की किया तू उन्हें कहा मैं नैनो टेक्नोलॉजी का टैसट क्लिक किया तो 11वें नंबर पर टैसट ही कहता एस सी कोटे च 11वें च कर गया मैं अंदर को करेगा बच्चा हाँ जी तो फिर उन्होंने भी मदद दी पैसों की चिंता नहीं करनी पैसे अं देंगे बच्चों पढ़ाओ ऐसी पढ़ा के बन सकते हो कुछ ना कुछ तरक्की हो सकती है अपनी बीमारी से भी अगर जो पढ़े ही नहीं पढ़ाओगे नहीं माँ प्यो का फर्ज बनता बच्चों को पढ़ा पढ़ा के तो फिर अगली जी पीढ़ी आता डिस्टैंड होनी है। साउथ कोरिया मेरा रिसर्च ये है कि मटीरियल है सीजियम लैड ब्रोमाइड जिद करके लैड करके टॉक्सिक होंगे तो उन्होंने किदा टॉक्सिटी घट किया जा सकता है ये मेरा रिसर्च ही साउथ कोरिया फिर यूएस यही मटीरियल किदा इको फ्रेंडली मटीरियल रिप्लेस किया जा सकता है रिसर्च मेरी यूएस ही तो फिर इस ही करके इको फ्रेंडली या इको फ्रेंडली मटीरियल जिन्होंने आप एनर्जी एप्लीकेशन से यूज़ कर सकते हैं बेसिकली सोलर सैल या हाइड्रोजन प्रोडक्शन से यह मेरा काम कैनेडा च रहा। गुरदासपुर जल सप्लाई विभाग में एक अनोखा ही मामला सामने आया जिथे कि विभाग के मुलाजमान वालों अपने ही दफ्तर के बाहर धरना लगाया गया क्योंकि जल सप्लाई विभाग के दफ्तर में करोड़ों का घपला होया सी। इस संबंधी जानकारी देते हुए सतनाम सिंह बाजवा ने कहा कि साडे विभाग में करोड़ों का घोटाला हो रहा जिसके खिलाफ अब साडे मुलाजमान वालों दफ्तर के बाहर धरना लगाया गया। उन्होंने कहा कि जिनी देर दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती धरना इस तरह जारी रहेगा। उत्थे ही इस संबंधी जदों जेई राजपाल ते चेतनजीत नाल गल की गई तो उन्होंने कहा कि इस सारे जो इल्जाम ने बेबुनियाद दिए सारे ही दोष झूठे ने। उत्थे एक्सन अजय कुमार ने कहा कि उन्होंने कोई लिखती शिकायत नहीं आई तो जो भी उन्होंने कोई लिखती शिकायत आती है तो दोषियों खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो दसा गया भी चक दीपेवाल के जी कोटेशन गलत पाई गई है वो असं मौके पर जो सारा रिकॉर्ड हम इकट्ठा करके एक बार चैकिंग करवाने कि वाकई ये काम जोड़ा वो घटता से कोटेशन वध पाई गई है जोड़ा बंदा दोषी पाया जाएगा वे कार्रवाई मीटिंग हुई थी एक्सन साहब नाल एक्सन विजय कुमार नाल उस तो बाद कोई उन्होंने कोई इंटरनल झगड़ा झुगड़ा हो बाकी करप्शन बारे तो मेरे ख्याल कोई इस दाली खबरों का सिलसिला इतने समाप्त होंगे नवियां ते ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे तद तक लिए दिओ इजाजत धन्यवाद।